पावर ट्रैक पर बढ़ता हुआ आपका विश्वास हमें प्रेरित करता है कुछ ज्यादा करें, कुछ एक्स्ट्रा करें, क्योंकि ये दिल मांगे एक्स्ट्रा। पावर हाउस सीरीज में हम लेके आ रहे हैं यूरो 55। अब दमदार 55 एचपी श्रेणी में इसमें आपको मिलता है 3 सिलेंडर का दमदार 3414 सीसी का इंजन, जो प्रदान करता है 225 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इस इंजन को फ्यूल प्रदान करने के लिए माइको बॉश इनलाइन पंप दिया गया है, और इस पंप को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए हमने दिया है वाटर सेपरेटर। इंजन की कूलिंग सिस्टम को बरकरार रखने के लिए इसमें हम प्रदान करते हैं रिकवरी बोतल, मतलब बाहर से ही आप कूलेंट के लेवल को देखते हुए मेंटेन कर सकते हो। स्टीयरिंग की अगर बात करें, इसमें हम प्रदान करते हैं BPS बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग, जो छोटी सी छोटी जगह में आसानी से कटाई करे। साथ ही साथ आपको मिलता है 3 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील इजी स्टीयर नॉब के साथ। इस स्टीयरिंग सिस्टम को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए हम प्रदान करते हैं सेपरेट स्टीयरिंग ऑयल टैंक। इस ट्रैक्टर की स्टाइलिंग की अगर बात करें तो इसमें हम प्रदान करते हैं सिंगल पीस बोनेट, और वो भी मेटालिक पेंट के साथ। और आगे से अगर आप देखोगे तो कार जैसा इनबोर्ड ऑक्सिलरी हेडलैम्प जो बोनेट के अंदर समाये गए हैं। यूरो का ब्रांडिंग भी आगे की तरफ दर्शाया गया है पावर हाउस की ब्रांडिंग के साथ। ऑक्सिलरी हेडलाइट के साथ ही साथ इसमें हैलोजन युक्त बड़े हेडलाइट भी प्रदान किए गए हैं, ताकि दिन हो या रात काम चलता रहे। इसके अंदर हैवी ड्यूटी स्टाइलिश बम्पर भी प्रदान किया गया है टो हुक के साथ। फ्रंट एक्सल की अगर बात करें तो इसमें हम प्रदान करते हैं हैवी ड्यूटी स्क्वेयर टाइप फ्रंट एक्सल, जो आगे से आने वाले लोड या झटके को सहने की क्षमता ज्यादा रखता है। इस ट्रैक्टर में टायर की अगर बात करें तो आगे की तरफ 7.5-16 के बड़े टायर प्रदान किए जाते हैं, और पीछे 16-9-28 के बड़े टायर, और हाँ दोस्तों, विकल्प में आपको 14-9-28 टायर भी उपलब्ध हैं। ड्राइवर की कंफर्ट को देखते हुए इस ट्रैक्टर के अंदर एक फुटस्टेप और हैंड होल्ड की सुविधा दी गई है, और डीलक्स ड्राइवर सीट, मतलब 5-way एडजस्टिंग, आगे पीछे ऊपर नीचे, ड्राइवर की वजन के हिसाब से इसकी कुशन भी एडजस्ट कर सकते हो। इस ट्रैक्टर में बैठने के बाद पैर को रखने के लिए पूरा सपाट प्लेटफॉर्म की सुविधा दी गई है, और असली साइड शिफ्ट गियर लीवर्स दिए गए हैं, ताकि बिना झुके कम मेहनत में गियर बदलते हुए ट्रैक्टर चला सके। और इसमें हाइड्रोलिक लीवर्स को भी एलिवेट किया गया है, ताकि ड्राइवर बिना झुके इसको आसानी से ऑपरेट कर सके। इस ट्रैक्टर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो हम प्रदान करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, माने दिन में अलग रात में अलग दिखने वाली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्योंकि इसका बैकलाइट एलईडी से चलता है। क्लच की अगर बात करें, इसमें डायफ्राम युक्त ड्यूल क्लच प्रदान करते हैं। ड्यूल क्लच माने इसमें 2 स्टेप आते हैं। जब आप आधा पेडल दबाते हो तो चलती हुई ट्रैक्टर के अंदर अगर आप रोटोवेटर चला रहे हो तो ट्रैक्टर रुक जाएगा, मगर रोटोवेटर काम चलता रहेगा। और पूरा क्लच दबाते हो तो ट्रैक्टर भी रुक जाएगा, रोटोवेटर भी रुक जाएगा। इसका फायदा समय की बचत व ज्यादा आउटपुट। इस ट्रैक्टर में गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हम प्रदान करते हैं फुली कॉन्स्टेंट मैश गियरबॉक्स, मतलब गियर बदलते टाइम आवाज नहीं आती है। गियर धीमी गति में जब आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो आसानी से गियर भी बदल सकते हो। फायदा गियर बॉक्स की लो मेंटेनेंस और लंबी उम्र। इस ट्रैक्टर में उपलब्ध होता है इंडियाज नंबर 1 सेंसी 1 लिफ्ट हाइड्रोलिक्स, मतलब 2 लीवर का हाइड्रोलिक्स, जो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है सेंसिटिविटी में और हाइड्रोलिक स्टेप्स के अंदर। लीवर्स की अगर बात करें, फेंडर के पास जो लीवर है इसको पोजीशन लीवर कहते हैं। इस लीवर से आप जमीन की ऊपरी भाग यानी कम गहराई में काम करने वाले उपकरण जैसे कि रोटोवेटर, लेवलर या सीड ड्रिल आसानी से चला सकते हो। और इसके बगल वाला जो लीवर है केसरी रंग का, उसको ड्राफ्ट लीवर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ADDC सेंसिंग उपलब्ध है। इस लीवर से आप गहराई में जाके काम करने वाले उपकरण जैसे कि MB प्लाउ, सब सॉइलर या कल्टीवेटर चला सकते हो। और हाँ दोस्तों, इन दोनों लीवर को मिक्स करके भी आप चला सकते हो, जिसको मिक्स मोड या ब्लेंडिंग कहा जाता है। ये फायदेमंद होता है रेतीली जमीन या जमीन में नमी ज्यादा होता है, इस स्थिति में आप उपकरण को बहुत सटीक से चला सकते हो। और तीसरा लीवर जो पीछे की तरफ दिया गया है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी लीवर। इस लीवर से आप टिपिंग ट्रॉली को उठा या गिरा सकते हो।
साथ ही साथ इसमें डबल QRC कपलर की सुविधा दी गई है ताकि आप डोजर, लेजर लेवलर या कोई भी सी ड्रिल जिसमें दो पाइपों में हाइड्रोलिक प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वो आसानी से आप लगा के चला सकते हो। इस ट्रैक्टर में स्पेशल ट्रांसपोर्ट लॉक कम लोवरिंग कंट्रोल नॉब का सुविधा दिया गया है। इस ट्रैक्टर में हम प्रदान करते हैं स्टैंडर्ड 540 PTO के साथ ही साथ MRPTO, इसका मतलब मनचाहे स्पीड आप इसमें प्राप्त कर सकते हो। और हाँ, थ्रेशर या रीपर चला रहे हो अगर उसमें कुछ ज्यादा फंस गया तो उल्टे PTO चक्कर भी आप प्राप्त कर सकते हो क्योंकि रिवर्स PTO भी उपलब्ध होता है। मल्टी स्पीड की फायदे की बात करें, कम लोड में चलने वाले अल्टरनेटर या वाटर पंप कम इंजन RPM में आप आसानी से चला सकते हो बिना बेल्ट या पुली चेंज करते हुए। इस ट्रैक्टर में पीछे से अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा फ्लैट बैक एंड प्रदान करते हैं मल्टी हिच पॉइंट के साथ, और हाँ कंपनी फिटेड टू हुक भी प्रदान करते हैं ताकि अलग अलग साइज के ट्रॉली आप इसके अंदर एडजस्ट करके आसानी से चला सकते हो। और रिडक्शन की अगर बात करें तो इसमें हम प्रदान करते हैं हैवी ड्यूटी हेलिकल बुल पिनियन रिडक्शन, जो बाहर से उपकरण या ट्रॉली से आने वाले झटके या लोड को लेने की क्षमता ज्यादा है। और ब्रेकिंग सिस्टम की अब बात करें तो इसके अंदर प्रदान करते हैं तेल में डूबे OIB ब्रेक सिस्टम, जो इफेक्टिव ब्रेकिंग के साथ साथ ब्रेक प्लेट की लंबी उम्र रखने में मदद करता है। हाइड्रोलिक सिस्टम की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में हम प्रदान करते हैं इंडस्ट्री बेस्ट पूरे के पूरे 2000 kg लिफ्ट कैपेसिटी। सेंसिटिविटी की बात करें तो इसके अंदर हमने प्रदान किया 3 ऑप्शन टोपलिंग माउंट करने के लिए, हार्ड सॉइल, मीडियम सॉइल, सॉफ्ट सॉइल। जैसे आपके यहाँ जमीन है उस प्रकार से आप टॉप लिंक होल सिलेक्शन करेंगे और जिससे आप एक जैसी गहराई कम लागत में प्राप्त कर सकते हो। हम बोलते ही नहीं, लिख के भी देते हैं पूरा का पूरा 5 साल की वारंटी। दोस्तों आखिर में एक खास चीज मैं बताना चाहूंगा और उसका नाम है केयर डायरेक्ट 24/7। मतलब एक बटन दबा के आप कंपनी के साथ कभी भी जुड़ सकते हो और तकनीकी जानकारी, सर्विस की बुकिंग या ट्रैक्टर में छोटी मोटी कोई समस्या है वो फोन पे ही सुलझा सकते हो। तो दोस्तों देर किस बात की, नजदीकी डीलरशिप पे जाएं और इस ट्रैक्टर का डेमो लें। धन्यवाद।